देखिए, सबसे पहले तो हमें सीओपीडी का जो सबसे कॉमन कारण, सबसे कॉमन रीज़न जो होता है, वो होता है स्मोकिंग। आप जो सिगरेट, बीड़ी, सिगार, हुक्का, या जो भी आप अगर किसी के साथ हैं जो पीता है, अगर आप लगातार उसके साथ हैं, तो सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है स्मोकिंग या स्मोकिंग के कॉन्टैक्ट में आना। तो सबसे पहले तो अगर आपको सीओपीडी है, तो आपको सबसे पहले आपको अपना स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप स्मोकिंग बंद नहीं करेंगे, तो जो बीमारी का जो प्रॉब्लम है वो आपका बढ़ता ही जाएगा। आप दवा भी लेंगे तब भी उसका बहुत इफेक्ट आपको नहीं आएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप सीओपीडी पेशेंट को कहें कि भाई आगे आपको अगर ठीक रहना है, तो उनको ये कहना पड़ेगा कि आप सिगरेट पीना हर फॉर्म में छोड़ दें। दूसरा, पॉल्यूशन है, गैस, बायोमास, मतलब जो चूल्हा है, जो लकड़ी के होते हैं, जैसे कोयले या लकड़ी के, जिससे धूल आता है बहुत ज़्यादा, उसका एक्सपोजर है। ये दो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है, खासकर जो गांव की औरतें होती हैं, उनके अंदर, चूंकि वो लकड़ी का चूल्हा उससे बनाती हैं खाना, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है और उनके अंदर भी ये बीमारी पाई जाती है। तो एक उसका अवॉइडेंस होना चाहिए कि भाई आजकल गैस के चूल्हे हर जगह अवेलेबल हैं, तो कोशिश ये करना चाहिए कि भाई वो जहाँ तक हो सके, और अगर वो बना भी रहे हैं तो खुले एरिया में बनाए, जहाँ धुआं जो है आपका इधर उधर निकल सके और उसका बहुत ज़्यादा उन पर असर ना आए। एयर पॉल्यूशन है तीसरा, जिसका एक्सपोजर के कारण आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब एयर पॉल्यूशन तो ऑब्वियसली हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे कोई बहुत उस पर वर्क नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं वो मास्क वास्क का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे मास्क अवेलेबल हैं, जिससे आप अपने आप को पॉल्यूशन से बचा सकते हैं। चौथा है कि बार बार इन्फेक्शन का होना। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या आप अपना प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिससे आपको सीओपीडी की बीमारी जो है वो बार बार बढ़ रही है और आपको दिक्कत कर सकती है। तो एक तो अपना ख्याल रखें, टाइमली डॉक्टर को दिखाएं, टाइमली ट्रीटमेंट लें, और अपने जो वैक्सीनेशन, एडल्ट वैक्सीनेशंस होते हैं फ्लू के, निमोकोकल के, वो ज़रूर लें, वो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। मेनली यही कुछ कारण होते हैं जिनको अगर हम अवॉइड करें तो बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी मेडिकेशंस भी होती है या कोई ऐसी दवाइयाँ होती है जो सीओपीडी के मरीज़ों को नहीं लेनी चाहिए, जिससे उनकी जो दिक्कत है वो बढ़ सकती है? हाँ, मेडिकेशन से आपने जब बोला तो मुझे एक चीज़ और याद आया कि अपनी दवाइयों को सही तरीके से नहीं लेना या बीच बीच में छोड़ना और रेगुलरली नहीं लेना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो आपकी बीमारी को, सीओपीडी को बढ़ा सकता है। तो प्लीज़, अगर आपको सीओपीडी या अस्थमा कोई बीमारी है, तो अपना इन्हेलर है, पंप है, उसको ज़रूर लें, टाइम से लें और सही तरीके से लें। दूसरा, जो आपने पूछा कि दवाइयाँ अवॉइड करने के लिए, तो हाँ, कई दवाइयाँ होती हैं, जैसे खासकर बीटा ब्लॉकर्स हम लोग कहते हैं, जिनसे सांस की नली की सिकुड़न बढ़ जाती है। एनएसआईडीज होते हैं, जिनसे भी सांस की सिकुड़न बढ़ जाती है। एनएसआईडीज मतलब कि वो ब्रांड डिक्लोफिनेक, जो हम पेन किलर आम भाषा में जो बोलते हैं, तो उनको भी सोच समझ के लेना चाहिए। और मेन जो मुझे लगता है, जो सबसे कॉमन जो दो दवाइयाँ हैं, वो यही दो हैं जो हमें आम जनता को बताना चाहिए कि इन दोनों का प्रयोग जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। जी।